फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास अभी आप देख सकते हैं होंडा की लिवो बाइक है। और इस बाइक में यानी कि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है सुबह सुबह। अभी मैं बता दूं कि अभी हमारा ये जो मौसम चल रहा है 10वां महीना यानी कि अक्टूबर, और अभी के समय में यानी कि अभी तो हमारा उतना ज़्यादा ठंडी आया भी नहीं है, और अभी से ही ये बाइक पूरा यानी कि स्टार्टिंग से रिलेटेड ये तो बहुत ही कम ठंडा होता है सुबह और शाम, यानी कि हमें ठंडा लगता है हल्का फुल्का। और इसी के समय में अभी से ही ये बाइक इस तरीके से दिक्कत करने लगा कि 10 बार 15 बार इस तरीके से किक लगाते हैं, और यहाँ से अगर चौक लगा के मारते हैं फिर भी यानी कि उसको 5 बार 6 बार इस तरीके से चौक लगा के मारना पड़ता है, तब ये बाइक स्टार्ट होता है। तो फाइनली इस तरीके से अगर कोई भी BS4 बाइक दिक्कत करता है तो उसमें हमें क्या क्या काम करना है, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सही करना है, ये सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, क्योंकि इस तरीके से BS4 हो या BS6 बाइक हो या BS7 बाइक हो, इससे रिलेटेड जुड़ी जानकारी जितनी भी होती है, जो भी प्रॉब्लम होता है, हम सारा यूट्यूब पर जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एयर फिल्टर पर। कभी भी आपकी बाइक अगर इस तरीके से सुबह सुबह प्रॉब्लम करता है तो यह बाइक उसी तरीके से सेम प्रॉब्लम कर रहा है, तो उससे हमने कहा कि आपकी बाइक सर्विस के लायक है, सबसे पहले इंजन वायल आपकी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब हमने इंजन वायल चेक किया तो इसका कहना कि हमने यानी कि इंजन वायल जो डलवाया है अभी मात्र 150-200 किलोमीटर इस तरीके से चला है। इंजन वायल अगर ठीक है तो फिर आपको आगे देखना, आगे क्या देखना है, यहाँ से फिल्टर देखना है। इधर आ जाओ थोड़ा, यहाँ से मैं दोस्तों आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको। इस तरीके से सुबह सुबह बाइक में अगर आपको 20 बार 50 बार किक लगाना पड़ता है फिर स्टार्ट होता है, या चौक लगाने के बाद भी हम 50 बार किक लगाते फिर स्टार्ट होता है, तो इससे जुड़ी क्या क्या चीज़ों को हमें देखना है BS4 बाइक जितना भी हो। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले आप फिल्टर देखें। फिल्टर में हमें क्या देखना है, फिल्टर अगर ख़राब है तो उसे आपको चेंज करना है। फिल्टर यहाँ से गंदा नहीं होना चाहिए, ये जगह अगर गंदा है यहाँ पर मैं दिखा, यह देखें धूल देखें इसके अंदर। इन्होंने इंजन ऑयल डलवाया और मात्र 200-150 किलोमीटर चलाया, और 150-200 में इतना इसमें धूल कैसे आएगा, इधर दिखाना जरा, देखे धूल देखे आप, इतना कैसे आएगा। इससे साफ ये चीज़ पता चलता है जब मैकेनिक ने इसकी इंजन वायल चेंज किया उस समय इसका फिल्टर नहीं खोला गया। सबसे पहला गलती यहाँ पे मैकेनिक ये करते हैं कि सिर्फ इंजन वायल डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। जब भी आप इंजन वायल डालें, अगर कस्टमर भाई देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो आप ज़रूर यानी कि एयर फिल्टर को क्लीन कराएं, क्योंकि यहाँ से हमारा एयर अंदर पास होता है, और यहाँ से अगर हमारी जान जाएगा, एयर एयर पूरा क्लियर नहीं जाएगी तो हमारी बाइक ये 100% है कि मिसिंग की भी प्रॉब्लम कर सकती है, पेट्रोल ज़्यादा खाने के भी प्रॉब्लम कर सकती है, और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकते हैं इंजन के अंदर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस एयर फिल्टर को अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अगर ख़राब है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा आपको क्या देखना है, यहाँ कार्बोरेटर से आपको ट्यूनिंग देखना है, कार्बोरेटर की आपको ट्यूनिंग देखना है कि ट्यूनिंग किस हालात में है, चौक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये जो चौक है ये चौक सही काम करना चाहिए, इधर आ जाओ, ये चौक सही काम करना चाहिए, प्लस में चौक लगना चाहिए। कार्बोरेटर के यहाँ से आप ऑयल निकाल के देख सकते हैं इसकी पेट्रोल इस तरीके से हाथ में। अगर आपको लगे कि यहाँ पर गंदा है या कार्बोरेटर के अंदर कुछ कचरा वगैरह है तो आपको कार्बोरेटर क्लीन करना पड़ेगा। और ट्यूनिंग मैं बताऊंगा ट्यूनिंग किस तरीके से करना है, इसका हमें ट्यूनिंग भी करना है। ट्यूनिंग के ऊपर ज़्यादा हमें डिफेंड पड़ता है, इसके वजह से भी हमारी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम सुबह सुबह ज़्यादा करता है। अब यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ से जब जैसे हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से RPM अगर हमने छोड़ दिया तो ये बाइक बंद हो जाती है, देखे बंद हो गया। तो यहाँ से एक ये भी होता है, अगर आपकी 4 RPM कम होगा तो उसके ज़रिए से भी आपकी बाइक बंद हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, 4 इसका मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। अब यहाँ से इस तरीके से अगर ये भी होता है कि हमने यहाँ से 4 चलिए बढ़ा दिया, RPM इसके तेज़ कर दिया और फिर भी 4 नहीं रुकता है, फिर आपको इसके टैपिट की सेटिंग करनी है। तो चलिए हम फाइनली इसका टैपिट को ही देख लेते हैं खोल के कि टैपिट के क्या हालात है। यहाँ से हालांकि हमने थोड़ा बढ़ाया और उसके बाद भी यानी कि ये बाइक की चाल नहीं रुक रही है। तो चलिए हम टैपिट खोलते हैं और देखते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो में ज़रूर बने रहे और भी हम चीज़ें आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ आपको क्या क्या चीज़ देखना है। तो चलिए यहाँ से हम सीट वगैरह खोलते हैं फटाफट से और फिर हम टैपिट इसकी सेटिंग करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमने इसकी कवर को खोला। अब यहाँ पर क्या है, इसकी जो इनलेट वाला टैपिट है इसके अंदर प्ले है, यह देखें आप,
ज़्यादातर इसी के वजह से हमारा सोलो में चाल नहीं रुकता है, पर ये वाली टैपिट पले है और एग्जॉस्ट वाला जो टैपिट है सलेंसर साइड का, ये यानी कि टाइट है, तो इसकी हमें ये करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा इस टैपिट को, देना इस टैपिट को हम यहाँ से लूज करते हैं और फिर आगे हम देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर दिक्कत है। जहाँ जहाँ हमें शक लग रहा है, जो जो चीज़ हमें देखना चाहिए रियल में, उन सभी चीज़ों को हमें यहाँ ला के चेक करना है, तभी ये जो प्रॉब्लम है इसकी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसकी जो टैपिट है उसके अंदर प्ले आ चुका है, थोड़ा सा और इसे ज़्यादा प्ले हो गया, थोड़ा कम करना है। अगर आपके पास ब्लेड है तो 0.5 mm 6 mm इस तरीके से आप इसकी प्ले रख सकते हैं। ब्लेड हमारे पास भी है पर हम अपने अंदाजे के ज़रिए से इसे इसकी सेटिंग कर दिया। अब यहाँ से ये बिल्कुल कंप्लीट है। और दूसरा हमें यहाँ पे क्या लग रहा है कि ये जो पाइप आप देख सकते हैं, ये पाइप दूसरा लगाया गया इसमें, यहाँ से तो टाइट है पर यहाँ से क्या है, ये देखें ये डायरेक्टली यानी कि बिल्कुल फ्री हो रहा है। थोड़ा नज़दीक करो ना यार, ये देखें कितनी ज़्यादा फ्री है। यहाँ से अगर ये पाइप हमारा खुल जाता है तो हमारा चाल रुकेगा ही नहीं। आप कुछ भी कर ले, टैपिट की सेटिंग कर ले, कार्बेटर साफ कर दो या टूनिंग बढ़ा दो, आरपीएम बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला अगर ये पाइप खुला रहेगा या लूज होगा। तो यहाँ पे टैपिट के ज़रिए से ऐसा प्रॉब्लम तो हालांकि नहीं हो रहा था, पर यहाँ पे जो ये पाइप लगाया गया है इसके ज़रिए से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए आप कितने ज़्यादा लूज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हो सके इसमें जो पाइप आता है वही पाइप डालेंगे, नहीं तो यहाँ पर हम एक तार के ज़रिए से इसे टाइट करेंगे, लॉक यानी कि यहाँ पर हम सेट करेंगे। अब यहाँ पर यह सब चीज़ हम लगा देते हैं, इसमें हालांकि प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। अब चलिए हम यहाँ पे इसे टाइट करते हैं और फिर आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे दोस्तों हमने इस पाइप को टाइट कर दिया, अब ये नहीं खुलेगा, बिल्कुल टाइट हो गया और यहाँ से एयर ये लीकेज नहीं करेगी। अब तीसरा क्या है, यहाँ से हमें पेट्रोल को चेक करना है। इस नट को आपको खोल के पेट्रोल की चेकिंग करना है। यहाँ पे हमें इसकी कचरा वगैरह, पानी वगैरह वो सब चीज़ देखना है, पर यहाँ से हमें उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अब क्या है, उस तरफ से हम इस बार प्लग इसकी चेक करते हैं। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हमें ये चीज़ देखना है इसकी, इस पार प्लग क्या देखना है, इसके अंदर हमें ये चीज़ पता करना है कि यह बाइक पेट्रोल कितना खा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे प्लग बिल्कुल झकाझक लग रहा है, पेट्रोल की जो इसकी सप्लाई है, जो खपत है वो पूरा यानी कि कम है। तो यहाँ पे अब इसकी हम स्पार्क प्लग को साफ़ करेंगे और लगाएंगे। और अगर आपको लगे कि स्पार्क प्लग ख़राब है, ज़्यादा पुराना हो गया है, इसकी चिमनी और बीच का जो कुट्टी होता है, ये सब चीज़ कभी कभी क्या होता है, कट जाता है और कटने के कारण से घिस जाता है, और घिसने के कारण से जब ये स्पार्क करता है तो उसके जरिए से काफ़ी दिन होने के कारण से ये जगह हमारा गड्ढा होने लगता है यानी कि घिसने लगता है। तो उस तरीके से अगर आपको दिखे तो आपको इसे चेंज कर देना है, ऐसा नहीं कि आपको यही रखना है कि स्पार्क प्लग इस बार सही कर रहा है या और भी कुछ, तो इस तरीके से नहीं करना। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल झकास है, सिर्फ इसे हम साफ़ सफाई करके इसे फिर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे साफ़ किया और साफ़ करने के बाद इसकी जो लेवल है वो आपको जिस तरीके से एक आरी ब्लेड होता है उसके बराबर इसकी हमें लेवल को रखना है। इसका लेवल भी थोड़ा ज़्यादा था, जिसके ज़रिए से इसकी लेवल को भी हमने एडजस्टिंग किया। अब चलिए इसे हम सेट करते हैं और आगे की प्रोसेस हम दिखाते हैं। हमने इसमें क्या क्या काम किया और क्या क्या हमें प्रॉब्लम लगा। सबसे पहला प्रॉब्लम तो इसकी एयर फिल्टर बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, ये जो पाइप दिया गया इसमें, इस पाइप के अंदर यहाँ पर लूज था, इसके ज़रिए से भी हमारी स्टार्टिंग की प्रॉब्लम करता है, सुबह सुबह एयर लीकेज करता है, सोलो में चाल नहीं रुकती है। टैपिट की गलत सेटिंग किया गया था, यानी कि टैपिट के हमने सही एडजस्टिंग किया, उसी के साथ साथ जो टाइमिंग होता है उन सारी चीज़ों की चेकिंग किया, स्पार्क प्लग को चेक किया। अब हमें लास्ट काम क्या है, इसकी जो ट्यूनिंग है, कार्बोरेटर की जो ट्यूनिंग है वो चीज़ हमें करना है। ट्यूनिंग कैसे करना है और किस तरीके से इसकी ट्यूनिंग करना है, सर्दी में हमारा ट्यूनिंग अलग होता है और गर्मी में हमारा ट्यूनिंग अलग होता है। तो चलिए अब हम सारा टंकी वगैरह ये सारा चीज़ लगा के और फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने इंजन वाल जब चेक किया तो वाकई में इसकी इंजन वाल बिल्कुल ठीक ठाक है। चलिए टंकी लगाते हैं और इसकी ट्यूनिंग करते हैं। तो हमने टंकी वगैरह लगा दिया, अब यहाँ से चलिए हम बाइक को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करके हमें ये चीज़ होता है कि हमें थोड़ा इंजन को हीट करना होता है, तभी हम ट्यूनिंग कर सकते हैं। देखें दोस्तों अब क्या है, हमने सिर्फ सेल्फ की बटन को दबाया और बाइक अभी बिल्कुल स्टार्ट है, और नहीं तो उस पहले हमें सेल्फ ले
और उसके बाद हमें आरपीएम खींचना पड़ता था तब बाइक स्टार्ट हो रही थी, और उसके बाद भी यानी कि इतना देर स्टार्ट नहीं, बिल्कुल बंद हो जाता था। अब चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस आरपीएम स्क्रू को हम तेज करेंगे यहाँ से। इस स्क्रू को हमें तेज करना है, इसके आरपीएम को तेज करना है। इतना तेज करने के बाद थोड़ा हम 2 मिनट इसे इसी तरीके से रहने देंगे। अब यहाँ से दोस्तों हमने तकरीबन 2 मिनट हो गया इसे स्टार्ट रखने से इतना आरपीएम में। अब यहाँ से चलिए हम ट्यूनिंग करते हैं इसकी। इस स्क्रू को पहले हमें टाइट करना होगा यहाँ से। ये आधा हो गया, ये एक हो गया, और ये डेढ़ हो, ये एक से यानी कि कुछ ज़्यादा हुआ, सवा एक। अब यहाँ से फिर हम देखिए, चलिए हम लूज करते हैं इसे। ये आधा हो गया, आधा चूड़ी, और ये एक चूड़ी हो गया, और ये डेढ़ चूड़ी हो गई, और ये 2 चूड़ी हो गया। पहले कितना था, 1.25 पे, अभी कितना है, 2 चूड़ी पे है। अब यहाँ से अगर हम और कम करते हैं तो फिर इसकी क्या होगी, आरपीएम कम होने लगेगा। तो हमें क्या है, उसी 2 चूड़ी पे यानी कि इसे रखना है, 2 से थोड़ा सा कम पे रखना है। यहाँ से यहाँ पे रखने बाद क्या होगा, इसकी पेट्रोल की जो सप्लाई है बिल्कुल क्लियर आएगी, और सुबह सुबह इसकी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी नहीं करेगी। अगर सर्दी का मौसम रहता दोस्तों तो हम क्या करते, इसे थोड़ा आधी चूड़ी या आधी चूड़ी से कम, थोड़ा कम ही रखते इसे, हम कम इधर और कर देते। पर सर्दी के मौसम क्या है, उसे हमें थोड़ा टाइट ही रखना पड़ता है। जहाँ पे आरपीएम ज़्यादा बन रहा है, जहाँ पे तेज़ आरपीएम है बाइक की, उसी जगह पे हमें इसे छोड़ना। ऐसे करने के बाद तब क्या होगा, सुबह सुबह हमारी बाइक स्टार्टिंग की प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब यहाँ से हमने आरपीएम को इतना रखा, और आरपीएम भी थोड़ा आपको तेज़ रखना है, ऐसा नहीं कि पूरा नॉर्मल रखना है। देखिए हमने कितना आरपीएम रखा, बिल्कुल 1000 या 1500 इस तरीके से आपको आरपीएम रखना है, अगर आपके पास टेकोमीटर है तो। अब यहाँ से चलिए हम सिर्फ बटन दबाते, इधर दिखाना ऊपर, देखे थोड़ा सा और हमें इसे तेज करना पड़ेगा। अब क्या है, बाइक बिल्कुल हम सेल्फ लगाते हैं और बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है, ये देखो। अभी भी दोस्तों ऐसी अगर प्रॉब्लम आता है, सबसे पहले आपको इंजन वाल चेंज चेक करना है। इंजन वाल अगर कम है या सही है तो आपको यहाँ से ट्यूनिंग करना है। अगर उस तरीके से हो जाता है ट्यूनिंग, आप देखें कि प्रॉपर सही तरीके से हो गया, तब तो ठीक है। और वरना अगर जिस तरीके से जितना चीज़ हमने चेक किया, आपको इतना चीज़ चेक करना है, इसमें से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम का सलूशन मिल ही जाएगा। इस तरीके से चाहे कोई भी कंपनी की बाइक हो, अगर सर्दी के दिनों में सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है तो आप इस तरीके से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास बजाज की बाइक हो, या होंडा की बाइक हो, या टीवीएस की बाइक हो, यामा की बाइक हो, कोई भी कंपनी की बाइक हो, कार्बोरेटर वाली BS6 बाइक में हालांकि सेंसर दिया जाता है, और उसके ज़रिए से वो खुद ब खुद पेट्रोल ज़्यादा जाता है और फिर हमारी बाइक स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है, अगर आप ज़्यादा परेशान होते हो तो चौक लगाए, एक मरतबा आप चौक लगाए, और अगर चौक लगने के बाद एक किक में स्टार्ट हो जाता है तब तो ठीक है, और अगर ज़्यादा आपको चौक लगाने के बाद भी दिक्कत करता है तब तो भाई आपके बाइक के अंदर दिक्कत है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करें, और हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।